हेलो स्टूडेंट्स आज की हमारी वर्कशीट है सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर ट्वेल्व ये वर्कशीट है फेडरलिज्म पर संघवाद पर तो ऑलरेडी कई वर्कशीट्स इस पर आ चुकी हैं तो उसी की कंटिन्यूएशन में ये वर्कशीट है तो आइए पहले देख लेते हैं कि वर्कशीट में आपको क्या बताया गया है इन फेडरल स्ट्रक्चर द रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन वेरियस अदर फैक्टर्स दूशनल प्रोविजन्स तो जो संघीय व्यवस्था है उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स पर संवैधानिक प्रावधानों पर ही सेंट्रल uh, गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो रिश्ते हैं वो बेस्ड है ऐसा नहीं है बल्कि इसके अलावा कई और कारण भी हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार और राज्य Uh, सरकार की जो रिलेशनशिप है उनके जो संबंध है वो बेस्ड है तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं तो वो फैक्टर्स हैं इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ डू रूलिंग पार्टीज एंड इट्स लीडर्स फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तो एक बहुत बड़ा एक और फैक्टर ये भी हो जाता है कि ठीक है एक फेडरलिज्म एक सिस्टम तो है लेकिन साथ ही साथ एक कंट्री में जो रूलिंग पार्टीज हैं और उन वो जो रूलिंग पार्टीज के जो लीडर्स हैं तो वो लीडर्स जो शास शासक दल हैं और उनके जो नेता हैं वो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स को कैसे फॉलो करते हैं वो बहुत डिसाइड uh, करता है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशनशिप उनमें संबंध कैसे रहेंगे तो एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर है इन इंडिया वन पार्टी हैज रूल्ड इन सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ज सिग्निफिकेंटली आफ्टर नाइनटीन नाइनटी सो 1990 से पहले इंडिया में एक ऐसी पार्टी थी जिसने बहुत लंबे समय तक केंद्र मर, केंद्र पर भी और राज्य पर भी बहुत लंबे समय तक उसने शासन किया लेकिन ये जो सिचुएशन थी वो 1990 के बाद बदल गई अब ऐसा क्या हुआ 1990 के बाद This period saw the rise of regional political parties in many states of the country. तो so, 1990 ke के बाद एक ऐसा aaya आया एक ऐसा aaya आया जब बहुत सारी रीजनल पोलिटिकल पार्टीज जो है वो शुरू हो गई तो ये एक ऐसा दौर आया जब क्षेत्रीय दल जो हैं वो बहुत भारी मात्रा में बढ़ने लगे तो रीजनल पोलिटिकल पार्टीज बढ़ने लगी

फॉर द ऑटोनोमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स अब 1990 के बाद ये जो चेंज आया था ये जो गठबंधन सरकारों का और क्वालिशन गवर्नमेंट्स का ये जो चेंज आया था इससे एक नया कल्चर शुरू हुआ एक नया दौर शुरू हुआ वो अपनी जो पावर थे वो शेयर करने लगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी जो केंद्र सरकार थी वो अपनी पावर अपनी सत्ता को बांटने लगी और साथ ही साथ इससे राज्य सरकार की जो ऑटोनमी थी राज्य सरकार की जो स्वायत्ता थी उसके प्रति भी उनका आदर बढ़ने लगा क्योंकि अब वो मिल बांट कर काम कर रहे थे अब गठबंधन सरकार थी और दोनों का ही मत होना बहुत जरूरी था तो इसीलिए इस पावर शेयरिंग के बाद इस सत्ता के बटने से जो आपस में इनका संबंध बहुत अच्छा होने लगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार का संबंध अच्छा होने लगा और आपस में इनका एक दूसरे के लिए आदर बढ़ने लगा

अब ऐसे में वो राज्य भी खुद में अंदर बहुत डाइवर्स है वहाँ पर भी बहुत विविधता है साथ ही साथ जब वो इतने बड़े राज्य होते हैं और इतने डाइवर्स इतने विविध राज्य होते हैं इतने डाइवर्स स्टेट्स होते हैं तो उनके जो इश्यूज़ हैं जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी उन्हीं के तरह बड़ी भी होती हैं और अलग अलग तरह की होती हैं। तो ऐसे में ये देखा गया कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वही बहुत अच्छे से इन प्रॉब्लम्स और इश्यूज को लोकल लेवल पर रिजॉल्व कर पाती हैं सॉल्व कर पाती हैं So 1992. So 1992 संविधान संशोधन के द्वारा शासन व्यवस्था के स्थानीय स्तर को संविधानिक रूप से मजबूत बनाया गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर नाइन्टीन नाइन्टी टू में एक अमेंडमेंट आया था और वहां पर ये एक थर्ड लेयर भी एड कर दी गई तो so पहले एक टू टीयर सिस्टम था दो स्तर की सरकारें थी जैसे कि केंद्र सरकार और फिर राज्य सरकार लेकिन जब ये रियलाइज हुआ कि हमारी कंट्री बहुत ही बड़ी है और उसके इश्यूज भी बहुत बड़े और डाइवर्स हैं, तो एक और थर्ड टीयर एक तीसरा स्तर भी एड ऑन किया गया जिसको लोकल गवर्नमेंट कहा गया तो पंचायत इन विलेजेस एंड म्युनसिपे इन अर्बन एरियाजर सेटअप इन ऑल द स्टेट्स तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो गाँव में पंचायत और शहरों में नगर निगम या नगर पालिका की तरह एक लोकल गवर्नमेंट बनाई गई अब इसी के ऊपर आपके बेस्ड आपके क्वेश्चन हैं, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हाउ डज फैक्टर्स अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अफेक्ट फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट गिव सम एग्जाम्पल्स कैसे संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भी संघीय व्यवस्था को अन्य बातें भी प्रभावित करती हैं कुछ उदाहरण दीजिए तो हम आपको यहाँ सैंपल आंसर दिखा देंगे तो आप सैंपल आंसर से देख सकते हैं हमने पहले ही समझा दिया है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अफेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अलावा तो अगर आप वीडियो दोबारा सुनेंगे तो वो आपको फैक्टर समझ आ जाएंगे बाकी आप सैंपल आंसर भी देख सकते हैं और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अब क्वेश्चन टू है द रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनमी ऑफ स्टेट हैज इंक्रीज इन द एरा ऑफ दॉलिशन गवर्नमेंट वाई डू यू सी इट एज एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट तो राज्यों की जो स्वायत्ता है उसके प्रति आदर का भाव बड़ा है इसे आप जरूरी क्यों मानते हैं अगेन आपको हम सैम्पल आंसर अभी दिखा देंगे आगे चलते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वालिशन गवर्नमेंट विच रूल्स इन अ स्टेट एट प्रेजेंट विच पॉलिटिकल पार्टीज आर मेंबर्स ऑफ दिस क्वालिशन गवर्नमेंट वर्तमान में किसी ऐसे राज्य का उदाहरण दीजिए जहां गठबंधन सरकार है इसमें कौन कौन से दल शामिल हैं तो अभी फिलहाल कई ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें गठबंधन सरकारें हैं गठबंधन सरकारें क्वालिशन गवर्नमेंट्स, मतलब कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर वहां पर सरकारें बनाती हैं। तो हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पे आपको हरियाणा सरकार के बारे में बताया है और अगर आप चाहें तो किसी और राज्य के बारे में भी लिख सकते हैं जहां पर गठबंधन सरकारें हैं उसके अलावा आपको यहाँ पर वो भी लिखना है कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कौन से दल हैं जो इन सरकारों में शामिल हैं तो हमने आपको वो भी सैंपल आंसर में मेंशन किया है फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू द पार सत्ता का विकेंद्रीकरण करना क्यों आवश्यक होता है तो हम आपको ऑलरेडी ये समझा चुके हैं डिस्क्रिप्शन में कि डिसेंट्रलाइजेशन क्यों जरूरी है खासकर हमारे जैसे देश के लिए जो एक बहुत बड़ा और डायवर्स देश है विविध देश है उसके लिए ये क्यों जरूरी है तो आइए अब आपको सैंपल आंसर्स दिखा देते हैं अगेन अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए सैंपल आंसर्स के बाद हम चलते हैं इंग्लिश वर्कशीट की तरफ इए स्टूडेंट्स अब हम इंग्लिश की वर्कशीट देख लेते हैं तो ये क्लास इंग्लिश की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर ट्वेल्व ये वर्कशीट लेटर राइटिंग पे बेस्ड है तो पढ़ लेते हैं कि ये लेटर हमें किसके ऊपर लिखना है ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड योर ए टी एम कार्ड स्टॉप वर्किंग एज इट गॉट डी एक्टिवेटेड आफ्टर इट्स आफ्टर इट्स डेट ऑफ एक्सपायरी यू कुड नॉट स्टेप आउट टू गो टू योर बैंक जर ऑफ यू इश्यू अटीएम कार्ड एट दर्लियस्ट यू मे यूज योर नेम एड्रेस एंड बैंक नेम अब ये जो डिस्क्रिप्शन है ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसे अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि यही आपका थोड़े से चेंजेस करके लेटर का कंटेंट बन जाता है तो अब कभी भी आपको अगर लेटर लिखना हो खासकर इस तरह के ऑफिशियल लेटर लिखने हो तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको आंसर्स या कंटेंट ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है तो आपको बस क्वेश्चन पे ध्यान देना है और क्वेश्चन को ही थोड़ा सा मोड के थोड़ा सा चेंज करके वर्ड्स इधर उधर करके आपको क्वेश्चन में से ही लेटर का कंटेंट मिल जाएगा तो अभी हम आपको एक सैम्पल लेटर भी दिखा देंगे वहां पर मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आप ये कर सकते हैं तो बेसिकली आपको लेटर किस पर लिखना है आपका एटीएम uh, कार्ड जो था वो लॉकडाउन पीरियड में काम करना बंद हो गया है है वो डीएक्टिवेट हो गया है क्योंकि उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी आ गई थी सो योर कार्ड गॉट एक्सपायर्ड एंड दैट्स इट वॉज डीएक्टिवेटेड अब लॉकडाउन सिचुएशन थी तो इसलिए आप बाहर जा नहीं पाए और आप बैंक में अपना कार्ड एक्टिवेट करा नहीं पाए तो इसलिए आपको बैंक के मैनेजर को एक लेटर लिखना है ये रिक्वेस्ट करते हुए कि वो आपके लिए नया ए कार्ड इश्यू कर दे जितनी जल्दी हो सके एट दी अर्लीस्ट मीन्स जितनी जल्दी हो सके आपका नया ए कार्ड इश्यू कर दे आप यहाँ पर अपना नाम भी यूज कर सकते हैं अपना एड्रेस भी यूज कर सकते हैं और अपना बैंक नेम भी यूज कर सकते हैं इसी के साथ ही आपको यहाँ पर फॉर्मेट भी दिया हुआ है तो इजी है ये फॉर्मेट आप इस फॉर्मेट में एज इट इज लेटर लिखकर और वर्कशीट कंप्लीट कर सकते हैं तो ये फॉर्मेट में आपको शुरू करना है अपने नाम से सेंडर्स नेम होता है जो लेटर लिख रहा है उसका नाम यहाँ आएगा सेंडर्स एड्रेस तो अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो आपका एड्रेस फिर लेटर लिखने की डेट जिस दिन आप लेटर दे रहे हैं उस दिन की डेट फिर रिसिपियंस नेम जिसको लेटर मिल रहा है रिसीवर्स नेम उसका यहाँ पर नेम आएगा रिसिपियंस एड्रेस तो जिसको लेटर मिल रहा है उसका एड्रेस फिर यहां पर डियर लिखा हुआ है अब ये एक ऑफिशियल लेटर है तो इसलिए हम डियर यूज नहीं करते हैं डियर यूज होता है इनफॉर्मल लेटर्स में तो ये एक ऑफिशियल लेटर है आप बैंक मैनेजर को लेटर लिख रहे हैं तो आप डियर की जगह यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे सर या मैडम आपको पता नहीं है कि मैनेजर मेल है या फीमेल है तो इसीलिए आप सेफ uh, साइड पे आप सर स्लैश मैडम लिखेंगे लेकिन अगर आपको पता है कि uh, मैनेजर मेल है या फीमेल है तो आप सिर्फ रिस्पेक्टेड सर या सर भी लिख सकते हैं फिर यहाँ पर आप अपना लेटर का कंटेंट लिखेंगे और फिर एंड में आप लिखेंगे सिंसियरली फिर अपना सिग्नेचर और अपना नाम तो आइए अब आपको लेटर का एक सैंपल दिखा देते हैं और साथ ही मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे आप अपना लेटर लिख सकते हैं तो ये एक लेटर का सैंपल है जो हमने आपके लिए लिखा है तो आप यहाँ पर शुरुआत करेंगे सेंडर्स नेम से जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ आपको अपना नाम लिखना है फिर आप लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है घर का एड्रेस लिखना है फिर आप एक लाइन का स्पेस दीजिए फिर आप डेट लिख दी लिख दीजिए तो आप ऑगस्ट फर्स्ट 2020 ट्वेंटी यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि ऑगस्ट फर्स्ट की वर्कशीट है फिर एक लाइन का स्पेस दीजिए फिर आप लिखिए जिसको आप ये लेटर लिख रहे हैं तो क्वेश्चन में ये ऑलरेडी मेंशन था जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए उसी में सारे लेटर का कंटेंट होता है तो क्वेश्चन में लिखा था कि आपको बैंक के मैनेजर को लिखना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे द मैनेजर फिर आप लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस तो यहाँ पर आप अपने बैंक का एड्रेस लिखेंगे तो यहां मैंने सैम्पल के तौर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लक्ष्मी नगर जो ब्रांच है उस बैंक का यहाँ पर एड्रेस लिख दिया है आप चाहे तो अपने एरिया के बैंक का या अपने बैंक का नेम और एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हैं अगर आपको एड्रेस नहीं पता है तो आप इजीली गूगल कीजिए अपनी बैंक का ब्रांच गूगल कीजिए आपको वो एड्रेस ऑनलाइन मिल जाएगा तो यहाँ पर आप वो लिख सकते हैं फिर एक लाइन का गैप दीजिए फिर जैसा कि मैंने आपको समझाया ये ऑफिशियल लेटर है तो इसलिए आप डियर नहीं लिखेंगे डियर प्रेफरेबल नहीं होता है क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर है तो यहां पर आप सर या मैडम लिखेंगे फिर आप यहाँ पर कंटेंट देख लीजिए अगेन मैंने जैसा आपको कहा कि क्वेश्चन में से ये कंटेंट पिक किया हुआ है इसमें ज्यादा कुछ एडिशन आपको नहीं करना है अगेन ऑफिशियल लेटर है तो बहुत लंबा चौड़ा आप लेटर नहीं लिखेंगे टू द पॉइंट बात करेंगे तो आप देखेंगे तो बहुत कुछ इसमें से क्वेश्चन में से ही पिकअप किया हुआ है सो सर स्लैश मैडम दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट माई एटीएम कार्ड इश्यूड बाई योर बैंक वॉज डीएक्टिवेटेड आफ्टर इट्स डेट ऑफ एक्सपायरी ड्यू टू द करंट लॉकडाउन इन द सिटी आई कुली रिक्वेस्ट यू टू इशू अ न्यू ए टी एम कार्ड फॉर माई अकाउंट एट दर्लियस्ट एंड ऑबलाइज तो आप आ, इसमें आपने यही कहा है की आपको इन्फॉर्म करने के लिए है कि आपके बैंक ने जो ए टी एम कार्ड इशू किया था वो डीएक्टिवेट हो गया है आफ्टर इट्स डेट ऑफ एक्सपायरी अब करंट लॉकडाउन था हमारी सिटी में तो इसलिए मैं बाहर आकर बैंक में उसे एक्टिवेट नहीं कर पाया इसीलिए मैं बहुत आई काइंडली रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे लिए नया ए कार्ड इशू कर दें जितनी जल्दी हो सके और मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा ओबलाइज मतलब कि अगर आप ये करेंगे सो आई विल बी थैंकफुल टू यू सिंसियरली फिर आप गैप देंगे एक लाइन का फिर आप लिखेंगे सिंसियरली फिर आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर कीजिए साइन मत लिखिएगा अपना सिग्नेचर कीजिए और उसके बाद फिर अपना फुल नेम यहाँ पर लिखेंगे अगेन ऑफिशियल लेटर है तो अपना फुल नेम यहाँ पर लिखेंगे तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही है अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपको ये वर्कशीट के सोल्यूशन ठीक लगा हो अच्छा लगा हो तो आप ये चैनल जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं हम अगली वर्कशीट के लिए थैंक यू